एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है वी आर नॉट अलाइक, मतलब हम सब एक जैसे नहीं होते। तो पॉट्स की स्टोरी होती है, एक जुड़ा हुआ पॉट होता है और एक टूटा हुआ पॉट होता है। एक वाटर बियरर के पास, मतलब जो पानी ले जाने वाला है, उसके पास दो बड़े पॉट्स थे। उसने अपने कंधों पर एक डंडे के दोनों एंड पर ले जाता और इसका यूज़ अपने मास्टर को घर पर पानी ले जाने के लिए किया। वो रोज़ वाटर डिलीवर करके आता था मास्टर के घर। पॉट में से एक में दरार थी, टूट रहा था थोड़ा सा, और दूसरा पॉट बिल्कुल सही था और ये हमेशा पानी का पूरा पॉट देता था, पूरा पानी डिलीवर करता था। और जो क्रैक पॉट था वो आधा पानी डिलीवर करता था। लगभग 2 साल से जो बियरर था वो ओनली 1.5 पॉट पानी के डिलीवर करता था। परफेक्ट पॉट को अपने ऊपर बहुत प्राउड था और जो क्रैक पॉट था वो अपनी इम्परफेक्शंस, मतलब अपनी डिफेक्ट, शर्मिंदा था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो सामने वाले से आधा काम कर रहा था, वो सिर्फ आधा पॉट पानी डिलीवर कर पा रहा था। अब 2 साल बाद उस पॉट ने पानी ले जाने वाले से बोला, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। बियरर ने पूछा, क्यों, तुम क्यों शर्मिंदा हो, क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तो उस पॉट ने बोला, पिछले 2 सालों से मैं आधा काम कर रहा हूँ क्योंकि पानी इस क्रैक में से लीक हो जाता है। मेरी खामियों की वजह से आपको काम करना ज़्यादा पड़ता है और आपको इसीलिए पूरा मूल्य नहीं मिलता। देन बियरर बोलता है पॉट से, क्या आपने देखा है कि आपके रास्ते में केवल फूल थे लेकिन दूसरी तरफ नहीं? मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा सा ही टूटे हो और मैंने इसका फ़ायदा उठाया है। मैंने अपने आपके रास्ते में एक किनारे पर फूलों के बीज लगाए थे और हर दिन थरा से वापस आने पर आप उन्हें पानी देते थे। 2 साल से मैं अपने मास्टर के टेबल को सजाने के लिए इन सुंदर फूलों को लेने में सक्षम हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं होते जैसे अब हो तो कोई भी फ्लावर्स मास्टर के घर में नहीं होते। देन मेनली हमें इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है कि ट्राई नॉट टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन अपीयरेंस अलोन, देयर इज गुडनेस इन एवरीवन। मतलब कोशिश ये करें कि अकेले दिखावे के आधार पर कोई भी डिसीजन ना लें, कोई भी जजमेंट ना करें, सभी में कोई ना कोई अच्छाई होती है।